चलिए हम अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो मैंने एनफोर्समेंट ऑफ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट्स बताए थे। उसमें तीन कंडीशंस मैंने बताई थी, बाकी की तीन आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो फोर्थ कंडीशन है वो हमारी ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग विद इन द फिक्स्ड टाइम। अगर किसी ने कोई फिक्स टाइम दे रखा है, मान लीजिए किसी ने ये कह रखा है कि अगर इतने समय में तुम ऐसा कुछ भी करते हो तो मैं तुम्हें एक सर्टेन सम ऑफ मनी दूंगा, तो अगर वो उस समय में, मान लीजिए 1 अप्रैल डेट, मान लीजिए 1 अप्रैल, तो अगर उस समय में वो सर्टेन काम हो जा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट होगा। मतलब एक फिक्स टाइम में, इतने समय तक का अगर मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, ये लास्ट डेट है, तो इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अगर तुम्हारा ये काम 1 अप्रैल तक हो जाता है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो ये सेक्शन 35 पैरा 1 में डिफाइंड है। जो फिफ्थ चीज है वो है ये कि कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम। मान लीजिए कि एक्स ने वाई से कहा कि अगर 31 अप्रैल तक तुम्हारी जो शिप है, वो जो तुम शिप यहां से लेकर के जा रहे हो, अगर वो शिप तुम्हारी नहीं लौटी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब क्या होता है कि 31, मतलब 31 अप्रैल से पहले तक, 31 अप्रैल से पहले तक वो शिप नहीं लौटती है और यहाँ तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, एक्स को पैसे देने पड़ेंगे। और अगर ये भी हो जाए कि शिप वहां पर जहां गई है वहां पे उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, जल जाए या कुछ हो जाए, तो भी एक्स को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जो शिप का रिटर्न है वो इम्पॉसिबल है, मतलब वापस आना इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक्स ने वाई से कहा कि अगर तुम्हारी शिप रिटर्न नहीं होगी 31 अप्रैल से पहले तक तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। फिर जो सिक्स्थ चीज है वो है ये कि कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट बिकम वॉइड। जैसा मैंने सबसे पहले एग्जांपल आप लोगों को बताया था सेक्शन 32 में, जैसा मैंने सबसे पहले एग्जांपल आप लोगों को बताया था कि जब एक्स ने वाई से कहा कि अगर तुम इसे शादी कर लो फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया। भाई जब जिसके बिहाफ पे उसने ऐसा कहा था कि अगर तुम कर लोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो वो तो बचा ही नहीं, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट का जो कहना था, जो कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया, शादी हुई नहीं पाई तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो गया। यही है सेक्शन 36 में। तो आई होप आप लोगों को ये भी तीनों कंडीशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। बस यही है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमें ये जानना होता है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है और एनफोर्समेंट कैसे होते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को। एनफोर्समेंट हमारे किसमें डिफाइंड है, सेक्शन 32 से लेकर के सेक्शन 36 तक। नोट कर लीजिएगा इसे जरूर से जरूर, मेरे पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते ही नोट कर लीजिए। जब आप नोट करने लगेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद वीडियो देखते देखते ही तुरंत से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।